नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल वुडफेस में। आज इस वीडियो में आपको एक लेमिनेट का फोल्डर दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एडवांस कंपनी का ये फोल्डर है 1 mm डेकोरेटिव लेमिनेट्स का। तो क्या होता है कि मार्केट में काफी तरह के लेमिनेट्स अभी अवेलेबल हैं। बहुत लोग जब अपने घर के इंटीरियर के लिए लेमिनेट्स लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि कौन सी कंपनी का लें, कौन से बजट में, मतलब कि कम बजट में आ जाए, अच्छी क्वालिटी में आ जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये फोल्डर जरूर दिखलाऊं इसमें, क्योंकि इसमें काफी सारी रेंज आपको एक फोल्डर में मिलने वाला। बाकी कंपनी की ये सारी डिटेल है, बारकोड्स वगैरह है, तो वहां से आप जाके इनके फोल्डर कैटलॉग वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग 1 mm के फोल्डर हैं, EWPC फोल्डर है, काफी रेंज इनकी पहले से ही मार्केट में आती है और काफी अच्छी कंपनी है। और जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मेड इन मतलब कि जीरो फिनिश का भी इसमें लेमिनेट दिया हुआ है। तो जीरो फिनिश का मतलब जैसे कि होता है नो रिफ्लेक्शन, उसमें कोई भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको पूरा एक वीनियर लुक और एक एक रेसे उसमें, जैसे वीनियर की जो लाइंस होती है अंदर में, देखने को मिलती है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है एडवांस कंपनी, ये है आपका गाजियाबाद बेस्ड, अभी इनका नोएडा में हेड ऑफिस है। तो इनके काफी सारे प्रोडक्ट जैसे कि लेमिनेट में पॉइंटेड भी आता है, लाइनर भी आता है, डोर स्किन भी आता है। उसके अलावा जैसे कि 1 mm में आप ये सारी फोल्डर की रेंज अभी आप देख पा रहे हैं, तो वुडन रेंज के साथ साथ आपको बहुत सारी रेंज आपको इस फोल्डर में देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मार्बल में सतवारियों लुक टाइप का ये कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और कंपनी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस कैटलॉग को डिजाइन करवाया है, एक एक शेड के साथ में, मतलब कि कैसा कॉम्बिनेशन लगना चाहिए आपके इंटीरियर में, चाहे वो आप अपने किचन में, वार्डरोब पे, अलमीरा पे, फर्नीचर पे, डोर्स पे, कहीं भी आप इसको लगाएं। बाकी ये लेमिनेट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि लेमिनेट क्या होता है। लेमिनेट एक पेपर बेस्ड लेमिनेट होता है, पेपर से बनता है, और हमेशा से चला आ रहा है। जब भी इंटीरियर की बात होती है तो सबसे बेसिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो लेमिनेट ही होता है। तो लेमिनेट क्या है कि आपको कम बजट में, कम खर्चे में आपके इंटीरियर को एक अच्छा लुक देने के काम आता है। बाकी ये जो कंपनी ने फोल्डर बनाया, जैसा कि मैं आपको बताया कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, और इसमें लगभग आपको 70-80% तक आपको यूरोपियन स्टाइल के सारे डिजाइन आपको मिलते हैं। तो कंपनी ने इसको खास तौर पे यूरोपियन स्टाइल वाला लुक दिया है इस फोल्डर को, और इसमें लगभग 70-80% सेट्स भी ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्री में पसंद किए जाते हैं, और आजकल यहाँ का ट्रेंड भी चल रहा है थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का। तो काफी खूबसूरत फोल्डर्स है, और हर सेट के नीचे इसमें बारकोड दिया हुआ है। बारकोड इसलिए है कि मतलब कि अगर आपको फुल सीट का व्यू चाहिए तो आप बारकोड स्कैन कीजिए, और उसके अलावा फिर पूरी सीट का व्यू देख सकते हैं। बाकी जो इसमें खास तौर पे वीनियर वाला जो लुक है, जो काफी लोग पसंद करते हैं, उस तरीके के काफी डिजाइन दिए हुए हैं। लेदर लुक में भी आपको इसमें मिल जाता है, थोड़े से ज्योमेट्रिकल पैटर्न में भी आपको मिल जाता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो कुछ 3D इफेक्ट में भी है। हॉरिजेंटल में भी आपको वीनियर लुक मिल जाता है लेमिनेट में, और वर्टिकली भी मिल जाता है। तो काफी सारे शेड्स कलर्स ऐसे हैं जो मतलब कि वीनियर में जो आपको देखने को मिलता है वो सेम आपको इसमें देखने को मिलता है। फिनिश की अगर बात करें तो लगभग आपको इसमें SF, जिसको स्वेड फिनिश बोलते हैं, बिल्कुल प्लेन, और उसके अलावा जैसे कि मैट फिनिश, उसके अलावा जैसे कि टेक्सचर फिनिश, उसके अलावा जैसे कि इसमें मार्बल फिनिश दिया हुआ है, हाई ग्लॉस फिनिश आपको मिल जाता है, और ये अभी आप देख पा रहे हैं यूनिकोर का लेमिनेट है। मतलब यूनिकोर का मतलब ये है कि कहीं से भी कटिंग करेंगे तो सेम कलर का एजेस आपको देखने को मिलता है, कोई डिफरेंट कलर का आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, सेम कलर का आपको मिलेगा। तो काफी सारे कलर्स है, अब हाई ग्लोस की रेंज आ गई है वो आप देख पा रहे हैं। बाकी लेमिनेट लगाने के प्रोसेस के बारे में मुझे शायद नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि लेमिनेट किस तरीके से लगाया जाता है। तो नॉर्मल जो फेविकोल होता है, SR वगैरह यूज करते हैं सारे कारपेंटर्स, और बहुत ही आसानी से इसको कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो होता है इंटीरियर के लिए ही होता है, इंटीरियर में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फर्नीचर पे, डोर्स पे, या वॉल पैनलिंग में भी, TV यूनिट पे, बेड के ऊपर,
अलमीरा, वार्डरोब, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी कंपनी का जो है एक पीवीसी लैमिनेट का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन आता है। पीछे हमने इनकी वीडियो डाली थी काफी समय पहले, तो उनकी बहुत बड़ी रेंज आती है। अगर पीवीसी लैमिनेट भी आप लोगों को लेना है तो इस कंपनी का एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी सॉलिड कलर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि ये स्वेड फिनिश में आपको अभी जो रेंज आप देख रहे हैं वो स्वेड फिनिश है, जैसे कि इसको प्लेन बोलते हैं, सबसे ज्यादा यही चलता है किसी भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह आपको मतलब कि नहीं बैठेगा। साफ सफाई क्लीनिंग में कोई भी मेंटेनेंस में इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ये प्रोडक्ट है। तो काफी अच्छी रेंज है। और कंपनी के जो है एक्सटीरियर के लिए भी एचपीएल्स वगैरह आते हैं। और इसके अलावा जैसे कि ये देख पा रहे हैं मेटालिक रेंज में जैसे फॉयल दिया हुआ है कॉपर और सिल्वर में, ये भी लोग अपने अलमीरा डोर्स के बीचों बीच कहीं कहीं हाईलाइट के करने के लिए लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको ब्लैक कलर में ये सारे फिनिशेस मिल जाते हैं, और बहुत ही अलग अलग तरीके के डिफरेंट टेक्सचर्स और मैट फिनिश, हाई ग्लॉस, स्वेट फिनिश, सारी फिनिश में और सारे मतलब के डिजाइन्स में आपको ये ब्लैक कलर की शेड्स देखने को मिलते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इस कंपनी का, और काफी लोग पसंद करते हैं। आर्किटेक्ट चाहे एंड यूजर चाहे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग इनके फोल्डर्स को और प्रोडक्ट को काफी पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी प्राइस है तो मार्केट से आपको थोड़ा से बजट रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इतनी रेंज है कि एक एक के साथ में मतलब कि इसके रेंज बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सारे डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़े से फोल्डर्स वगैरह आप देख पा रहे हैं, और ये बार कोड आप स्क्रीन शॉट लेके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह। तो ये सारी चीजें थी इस कंपनी के इस फोल्डर में। बाकी जो है कुछ फीचर्स वगैरह इसमें लिखे हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि माइका का ये सैंपल्स लगा हुआ है जिसमें बैक दिखा रहे हैं, तो बैक का जो फिनिश है वो बहुत ही मतलब कि रॉ फिनिश में आता है, तो पेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छे से जो भी एडहेसिव लगाएंगे उसको एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये फोल्डर जरूर बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।